मैं मतलब सरकार से तो यही कहना चाहूँगी कि एक तरीके फिर से मतलब कुछ जैसे दोबारा से इन्वेस्टिगेशन हो किसी भी तरीके से, कि एक मतलब थोड़ा सा चांसेस और मिले कि खुद भी देखे उनके मतलब दोनों एक पक्ष ना रख के चले ना, उनके जो उन्होंने समाज के लिए भलाई का काम किया है उसको भी देखे। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ नीतू इंसा जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं और डेरा सच्चा सौदा में काफ़ी लंबे समय से जा रहे हैं। इन्हीं से सवाल करते हैं, कितने समय से आश्रम में जा रही हैं और आज इनका क्या कहना है। 4 साल पहले काफ़ी कुछ डेरा सच्चा सौदा विसन डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जी इंसा के बारे में दिखाया जा रहा था, क्या है उसका असली सच, इनसे सीधी बातचीत करके जानते हैं। नीतू जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आ रहे हैं? करीब 20 साल हो गए मुझे जाते हुए। नीतू जी, कैसा महसूस करते हो आप आश्रम में जाके? नहीं, अच्छा, मतलब अच्छा शांति मिलती है मन को, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो कभी ऐसा मतलब अच्छे ही ख्याल आते हैं जब जाते हैं तो मन में। नीतू जी, कभी भी आपने अलग तरीके का महसूस किया हो, मतलब एक बीइंग गर्ल आपने अलग तरीके का कभी महसूस किया नहीं? हुआ? ऐसा तो कुछ भी नहीं, मतलब बल्कि वही मैं आपको बताया मैंने, जैसे एक ना जैसे शांति और सुकून मिलता है। जैसे दुनिया में हम देखते हैं कि सारा कुछ हम जाते हैं तो जैसे इधर उधर भीड़ भाड़ और सब कुछ इस तरीके से, तो उससे थोड़ा हमें रिलीफ मिलता है। एक तरह से मालिक की तरफ ध्यान लगता है हमारा, तो एक तरह से रिलीजियस जो हमारे थॉट्स हैं वो बनते हैं। तो कोई ऐसा अलग कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि अच्छा मतलब फील होता है जब भी जाते हैं हम वहाँ पे। मैम, आपकी फैमिली भी जाती है? हाँ जी, सारी फैमिली, हम मतलब करीबन काफ़ी साल हो गए हैं, शुरू से ही जुड़े हुए हैं, परमपिता जी के टाइम से ही परिवार जुड़ा हुआ है हमारा डेरा सच्चा सौदा से। आपकी फैमिली में बेटियाँ भी होंगी मैम और भी लेडीज़ होंगी, क्या सभी जाती हैं वहाँ पर आश्रम? हाँ जी, मोस्टली जो परिवार है सारे ही डिवोटीज़ हैं, सब जाते हैं, मानते हैं। और बेटियां तो अब जैसे जो स्कूल चलाया हुआ है पिताजी ने, कॉलेज भी है, उसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा मतलब कोई ऐसा महसूस नहीं होता, बल्कि वो एक तरीके से अपना प्राइड जो है वो अपने आप पे प्राउड फील करती हैं बच्चियां जब जाती हैं वहाँ पे। तो बड़ी अच्छी शिक्षा उनको वहाँ से मिलती है, कभी गलत शिक्षा किसी तरीके की कुछ ऐसी नहीं मिली वहाँ से उन्हें। नाइट को स्टे किया मैम कभी? हाँ, आश्रम में जा कभी नाइट को गए हो आप आश्रम? हाँ जी, सेवा चलती रहती है, बाकी जैसे जाते ही हैं रात में भी, सत्संग पहले रात में ही हुआ करती थी, ज़्यादातर जो भंडारे होते थे वो रात में ही होते थे, तो रात को लगभग 2-3 बज जाते थे भंडारे के टाइम में वापस आते हुए। तो ऐसा मतलब बड़ा अच्छा जैसे माहौल होता है वहाँ पे, ऐसा कोई मतलब अच्छा ही फील होता है वहाँ जाते हैं तब। गुरुजी का नेचर कैसा है मैम? नेचर तो स्वभाव तो गुरुजी का मतलब क्या मतलब अब बताएं उनके बारे में, कुछ ज़्यादा तो हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम क्या कहें उनके नेचर के बारे में। तो हमने तो जहाँ तक जाना तो वो मतलब सारी दुनिया की भलाई के लिए ही सोचते हैं, कभी उन्होंने किसी को गलत शिक्षा नहीं दी, कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया, बल्कि समाज भलाई के लिए जितने काम गुरुजी ने किए हैं शायद ही किसी ने किए हो। उनका चरित्र कैसा है? चरित्र भी मैम मतलब अब वो तो जैसे हम सुन रहे हैं, तो जैसा भी अभी तक जो मतलब फैली हुई हैं वो एक तरह से अफवाहें ही हैं, और मतलब उनके चरित्र पे, अब भगवान के चरित्र पे कोई क्या दोष लगाएगा। तो अब खुद भी जो बच्चियों को इतनी ज़्यादा अच्छी शिक्षा देते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को भी पालते हैं वो, तो अब वो उनके बारे में जो गलत कहा गया है, तो हम तो अब वो है भी जितना समाज है, समाज का मतलब कुछ मुँह नहीं होता है, तो एक बार जो बात फैल जाती है तो उसको खींचते ही हैं। बाकी ये अपने मन से अगर पूछा जाए तो फिर हम मतलब क्या उनके बारे में कहें, अब भगवान के चरित्र पे दोष हम नहीं लगा सकते। मैम, जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं आपको क्या लगता है, पर्सनली क्या महसूस होता है? आरोप मतलब कोई ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ होगा या जैसे भी हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, वो तो सबके ही पिता हैं, तो पिता अपनी बच्चियों के साथ कभी गलत नहीं कर सकता। मैम, जो मीडिया में प्रचार किया जा रहा था, मीडिया में, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि समाज जो है मतलब मीडिया है या एनीथिंग एल्स कुछ भी है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा मतलब उनको कुछ क्या रोक सकते हैं? नहीं, आप बताइए, वो मतलब जो उसमें दिखाया गया था उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में मैं दिखाया गया वही कह रही हूँ ना कि वो अगर जितनी अफवाहें हैं मतलब कोई ज़्यादा, बस अब हम क्या कह सकते हैं। गुफा में गए हो मैम कभी आप? गुफा में भी, हाँ जी, गुफा में मतलब गए हैं, वहाँ पे सत्संग के दौरान बस अच्छे मतलब जैसे संगत को ज्ञान ही दिया
किया जाता है, सारा भक्ति के बारे में ही समझाया जाता है, परमात्मा के बारे में ज्ञान दिया जाता है। दिखाया जा रहा था गुफा के बारे में। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा शांति है, बल्कि एक तरीके से बहुत अच्छा मतलब वहाँ माहौल जैसे बनाया जाता है, एक तरीके से सत्संगी माहौल होता है पूरा ही, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ, बिल्कुल खुली जगह है, आराम से बैठती है संगत, सारी इकट्ठी बैठती है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी परेशानी नहीं है वहाँ पे। मैम जो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है मैम? मेरी क्वालिफिकेशन एमकॉम बीएड है मैम। लोगों के दिमाग में एक सवाल है, जो आश्रम में जाते हैं उनको अंधभगत कहा जाता है, जहाँ कहते हैं एजुकेटेड लोग नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एजुकेटेड ही है, मैं तो वो तो कह ही रही हूँ कि गुरुजी ने खुद मतलब जो जो भी है हमारे जो इंस्टीट्यूशनल कॉलेज भी खोले हैं, जैसे सारे सेंटर्स चल रहे हैं उनके खुद के ही, तो वहाँ खुद ही इतने हाईली क्वालिफाइड होके वहाँ से जो मतलब बच्चे निकलते हैं और इतना कुछ आगे जाके बहुत कुछ बच्चे बनते हैं, तो हम ये तो बिल्कुल ही गलत है कि वहाँ अंधभगत जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सोसाइटी के लिए, समाज के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? समाज के लिए मैम मैं वो ही कह रही हूँ कि मतलब जितने उन्होंने मानवता भलाई के लिए जो काम गुरुजी ने किए हैं शायद ही किसी ने किए हों, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने कि कितने कब काम उनके गिनाए, कोई गिनती ही नहीं है, मतलब चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो, मतलब वुमेंस के लिए हो, किसी भी तरीके का शरीर दान, जो आँखें दान हम सब कुछ ही समझते हैं, इवन मतलब जो मरने के बाद अपना शरीर ही दान कर जाते हैं, इतनी प्रेरणा कोई किसी ने आज तक किसी को नहीं दी, तो बहुत ज़्यादा समाज से उनको लाभ मिला है, तो अब उनके मतलब हम गिनाए ही नहीं जा सकते कि कितने उन्होंने भलाई के काम किए हैं। मैम एक दिखाया जाता कि 79 कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्या है उनका सच? वो सच तो सच ही है, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनमें तो हम कोई झूठ लिख ही नहीं सकते, वो तो हमें भी पता है कि वो तो मतलब जो भी है ये चीज़ें तो झूठी नहीं हो सकती, इनको तो झूठलाया ही नहीं जा सकता, रिकॉर्ड है वो तो रिकॉर्ड ही है, अब जो भी है कोई आएगा देखेगा उसको कुछ लगता होगा तो फिर ये रिकॉर्ड तो बनता है, तो उसमें ऐसा कुछ झूठ नहीं है, सब ठीक मतलब सच्ची है। मैम एक आम समाज की हम बात करते हैं, जहाँ आजकल छोटी छोटी बेटियों के साथ ऐसे केसेस सामने आते हैं, अभी खासकर लड़कियों को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। आपको क्या लगता है मतलब संत जी ने कुछ इसमें कंट्रीब्यूट किया है, कोई योगदान दिया है? नहीं नहीं ऐसा कुछ मतलब नहीं, कुछ आगे बढ़ाने के लिए बेटियों को समाज में एक अच्छी दिशा देने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट बेटियों के लिए खासकर वो है? वही तो मैं कह रही हूँ कि बेटियों के लिए तो गुरु जी ने जितना काम किया है उतना शायद ही किसी ने किया हो, अब मैं वही बता रही हूँ कि कितने ज़्यादा मतलब एजुकेशनल सेंटर चल रहे हैं डेरे में, इवन स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल तक यहाँ पे बना हुआ है और वहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं और वो बच्चियाँ काफ़ी कुछ मतलब आगे जाके कर रही हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड उनसे अछूता नहीं है आज, चाहे वो मतलब एजुकेशन का ले लीजिए, इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी बहुत बच्चियाँ आगे जा रही हैं, तो इवन बच्चे सेल्फ मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना बच्चियां वहां से सीखती हैं, गुरुजी खुद उनके कोच रह चुके हैं, उनको खुद मतलब बड़ी अच्छी शिक्षा गुरुजी ने दी है, तो बेटियों के लिए तो बहुत कुछ किया है गुरुजी ने। ज़रूरत है मैम आज समाज ज़रूरत को? तो मैम वही तो मैं कह रही हूँ कि अब ज़रूरत तो वही है कि जब तक हमारे सामने कोई मतलब मोटिवेशन पावर नहीं होएगी, कोई प्रेरणा स्रोत नहीं होएगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपने आप हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो जब से गए हैं तो वो तो जितना नुकसान झेला है हमने ही नहीं झेला, पूरी दुनिया ने ही झेला है एक तरीके से और अब तक भी झेल रहे हैं, तो वो नुकसान की भरपाई तो अब नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मतलब एक वो ही है कि एक जो मोटिवेशन सपोर्ट है वो चाहिए हमें। नुकसान हुआ क्या है मैम, क्या लगता है? नुकसान तो देखिए समाज में हुआ ही है काफ़ी कुछ, जैसे वही मैं बता रही हूँ कि जब एक कोई हमारे पास एक दिशा दिखाने वाला कोई खड़ा होता है, लाइक हमें कोई गाइड करेगा फिर ही हम आगे चल पाएंगे, तो जब तक हमें कोई गाइड नहीं कर पाएगा तो हम अपने आप उस रास्ते पे नहीं चल पाएंगे, रास्ता दिखाएगा कोई फिर ही चल पाएंगे, तो इस तरीके से काफ़ी काम है जो अधूरे पड़े हैं, मतलब सारा काम बीच में काफ़ी कुछ पड़ा है जो समाज को बहुत नुकसान हुआ है इसके लिए। ज़रूरत है मैम, ज़रूरत तो मैम है ही उनकी, अब काफ़ी मतलब महसूस होता है। क्या अपील करना चाहोगे मैम आप सरकार से? मैं मतलब सरकार से तो यही कहना चाहूँगी कि एक तरीके फिर से मतलब कुछ जैसे दोबारा से इन्वेस्टिगेशन हो किसी भी तरीके से, कि एक मतलब थोड़ा सा चांसेस और मिले, कि खुद भी देखे उनके मतलब दोनों एक पक्ष ना रख के चले, ना उनके जो उन्होंने समाज के लिए भलाई का काम किया है उसको भी देखे, मतलब सारों के व्यूज़ जैसे ले और उसके बाद मतलब कोई मेन डिसीजन अपना ले ले।
मैम आप उन लोगों को लास्ट में क्या कहना चाहोगे जिनके दिमाग में मतलब एक मीडिया के द्वारा जो भी बातें दिखाई गई, देख वो फिट हैं उनके, मतलब वही उसी को वो सच मानते हैं। आप 20 सालों से आ रहे हो आश्रम में, आप अपनी तरफ से उन लोगों को क्या अपील करना चाहोगे? मेरी अपील तो यही है कि देखिए जो गया है, जो आश्रम से जुड़ा है, तो वो इस चीज़ को तो जानता है। जब तक हम किसी से मिलते नहीं हैं, किसी के कांटेक्ट में आते नहीं हैं, तब तक हमें कुछ नहीं पता होता कि वो क्या है। हम कहीं सुनी बातों पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल में, अगर आप आज है मतलब गुरुजी वहाँ पे नहीं हैं, लेकिन हम जाते हैं तो वो उनकी मौजूदगी आज भी हमें महसूस होती है कि वो मतलब वहीं पे ही हैं। तो एक तरह से उनकी जो जगह है, उनके जैसे हम कहते हैं ना, किसी चीज़ को कोई चरण जैसे किसी चीज़ किसी को स्पर्श कर लेते हैं, तो वो सारा मतलब उनके अकॉर्डिंग ही जैसे वो माहौल ही रिलीजियस हो जाता है। तो जहाँ से गुजर जाते हैं तो मतलब पूरा एक तरीके से सारा भक्तिमय जो हो जाता है माहौल ही वहाँ का। तो जो लोग हैं वो मतलब कम से कम मैं वही कह रही हूँ कि एक तरफा ना चले, कि जो समाज के लिए उन्होंने भलाई के काम किए हैं, कुछ भी मतलब जैसा है, तो उनकी मतलब अच्छाइयों को भी देखें। तो आरोप तो वही मैं कह रही हूँ कि जैसे भगवान पे भी लगे हैं, पुराने समय से भी हम पढ़ते आ रहे हैं, तो एक तरीके से वही हम कहते हैं। तो एक तरफा ना चल के उनकी सारी मतलब अच्छाइयों को भी देखें, भलाई को भी देखें और संगत को भी देखें, क्योंकि जब भी हम किसी से जुड़ते हैं तो ऐसे ही नहीं जुड़ जाते, तो कुछ तो उसमें मतलब दिखता ही होगा। आज भी चाहे गुरुजी आश्रम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके डिवोटीज़ में कोई कमी नहीं है। सत्संगें हो रही हैं, नाम चर्चा चल रही हैं, सारा काम वैसा ही चल रहा है। वो जहाँ हैं वहीं से बैठे आशीर्वाद दे रहे हैं और उनकी कृपा से सारा कुछ वैसे ही चल रहा है। तो इस चीज़ को भी देखा जाए, इस चीज़ को भी ध्यान में रख के कि कोई तो पावर है, कुछ तो पावर है जो मतलब उनके आश्रम में मौजूद ना होने के बावजूद भी सब कुछ वैसे ही चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार हम आपको एक्चुअली फैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल एजुकेटेड लड़कियां हमारे साथ जुड़ रही हैं जो आश्रम में काफ़ी लंबा समय से जा रही हैं और बता रही हैं असली सच्चाई डेरा सच्चा सौदा वसन डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जिनसा की। इनकी अपील है, जिस संत ने बेटियों की रक्षा के लिए इतने काम किए हैं, आज जैसे संत की इस समाज को, इस देश को सख्त ज़रूरत है। इनकी अपील है कि जांच होनी चाहिए, जो ये करोड़ों लोग हैं इनके भी व्यूज़ लेने चाहिए और असली सच को समाज में जल्द से जल्द सामने लाना चाहिए। ये लगातार अपील की जा रही है और लगातार उनकी समाज में वापस आने की मांग की जा रही है। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।